नीलकमल जी के लिए लगभग 50 से 60 गाने मतलब कुछ रिकॉर्ड हो चुके हैं, कुछ छूट चुके हैं और आ भी रहे हैं। लॉकडाउन के बाद हमारा स्टार्टिंग हुआ पवन भैया के साथ यार 75, फिर उसके बाद देवी गीत में हम आए खेसारी भैया के साथ 5-5 देवी गीत लेके, उनके कुछ लोकगीत भी हैं। वो एसी का घर छोड़ पीपल की छाँव में मैं लौट जाना चाहता हूँ फिर से अपने गाँव में। क्या बात है, क्या बात है। मतलब अपने वर्तमान को लिखिए वो इतिहास बन ही जाएगा। कैसी लगती हैं अमृपाली आपको? हेलो नमस्कार, बहुत ज्यादा स्वागत आपका फिर एक बार। मैं धर्म दुबे कर रहा हूँ देसी भारत चैनल पर। हमारे साथ इस वक्त हॉट सीट पर बैठे हुए हैं आशुतोष तिवारी जी। सभी देसी भारत देखने वालों को नमस्कार और हमारे बड़े भैया धन्यवाद भाई। आशुतोष के बारे में आपको बताएं कि राइटर हैं और स्पेशली आजकल नीलकमल सिंह के लिए लिख रहे हैं। नीलकमल सिंह जिनका गाना हाल ही में आया था और अब 100 मिलियन के आसपास है, लैका तोहरा के पापा कहा था आपने लिखा। तो मतलब कैसे दिमाग में आ गया जी, लैका तोहरा के पापा कहा था, गोद में खिला लिया तो मतलब? नहीं नहीं, ऐसा एक खबर आया था कि एक दुबे जी हैं और वो अपने पड़ोसी के बच्चे से चॉकलेट देके कहा था कि हमको पापा बोलो। सोचा एक ये देखो हमारी ले रहे हैं। समझ गए, राइटर है ये, राइटर हैं है? तो ऐसे ही मतलब काफ़ी सोच विचार के नहीं बनाता है आदमी। और हम लोग नीलकमल जी के साथ काम कर रहे थे, हम थे वो थे, वो अच्छा कंपोजिशन बनाते हैं, तो बैठे थे हम लोग ऐसे ही हारमोनियम पर। तो हम लोगों ने सोचा कि 2019 में आया था लैका खिलाई की तोहरा के, काफ़ी बड़ा हिट था। 2020 में क्या करते हैं, सीजन भी वही था, लैका पापा का था बन गया। और फिर 2021 के शुरुआत में लैका पापा का था 2 बन गया। तो लैका वाला सीरीज जारी है, जारी है। अच्छा, तो कितने कितने गाने अब तक आपने लिखे उनके लिए? नीलकमल जी के लिए लगभग 50 से 60 गाने मतलब कुछ रिकॉर्ड हो चुके हैं, कुछ छूट चुके हैं और आ भी रहे हैं। इसे लॉकडाउन के बाद लगभग मेरा सही है। सही है, तो खाली नीलकमल जी के लिए ही काम कर रहे हैं अदर भी? नहीं नहीं, केवल नीलकमल जी के लिए नहीं काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद हमारा स्टार्टिंग हुआ पवन भैया के साथ यार 75, फिर उसके बाद देवी गीत में हम आए खेसारी भैया के साथ 5-5 देवी गीत लेके, उनके कुछ लोकगीत भी हैं। और फिर हमारे करीबी भी हैं और एक ही जगह से हम लोग बिलोंग करते हैं, हम और नीलकमल जी बक्सर से दोस्ती तो, है मतलब अच्छी। हाँ, बहुत पहले से पुरानी दोस्ती है, इंडस्ट्री से पहले भी की है। तो हम लोग की अच्छी चल रही है, अच्छी एक जगह के होने से काफ़ी। चलिए, स्पेशली ये इंटरव्यू इस वजह से भी है कि आशुतोष से बात करके हम ये पता लगा सकें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कितने स्टेटस पर पहुँच चुका है राइटर। ये बताएं कि पैसे वैसे बनते हैं? हाँ, जो हम गीत लिखते हैं उसके पैसे सभी लोग ईमानदारी से दे ही देते हैं। ईमानदारी से दे ही देते हैं, इतना रुपया कमा लेते हैं कि आप खुश हैं? अभी जो भोजपुरी में जो भी मिलता है उसी हिसाब से मुझे भी मिलता है, तो जो है सो सही है। आपको लगता है जितना मिलता है वो सही है? वो फीस जो सबको मिलता है उस हिसाब से मुझे मिलता है, ये सही है। जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जितना मिलना चाहिए नहीं है वो नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये बताएं कि बॉलीवुड में आपने देखा होगा जो राइटर्स होते हैं उनका एक अलग ही लेवल है, मतलब उनको अवार्ड तक मिलते हैं, उनके बारे में जिक्र होता है, उनके इंटरव्यू चलते हैं, हर चीज़। आपको लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री में राइटर को उतना महत्व दिया जाता है? नहीं नहीं, वैसा नहीं है। चीज़ें तो वही होती हैं, हम काफ़ी सुनते हैं, ऐसा नहीं कि वो कुछ अलग से मैटर लिखते हैं या फिर हम लोग नहीं लिखते हैं, इक्वल चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या है कि सोच थोड़ी बढ़ानी होगी, हमने जो भी गाना लिखा वो साफ सुथरा अच्छा लिखा, और कुछ दर्शक लोग गलत चीज़ों को बढ़ावा दे देते हैं, कुछ गंदी चीज़ें, अश्लील गानों की बात कर रहे हैं, तो उनके व्यूअर्स ज़्यादा आते हैं। तो लोग जैसे क्या होता है कि दूध घर घर ले जाके देना पड़ता है, और जैसे लॉकडाउन में एक दिन के लिए शराब का ठेका खुला था, काफ़ी ज़्यादा बिक गया, सभी किसान परेशान है आदमी, तो अच्छी चीज़ों को आप बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, इसलिए दूसरी चीज़ें आगे आ रही हैं। और प्रेशर आप पे भी बनता है, गाने लिखो हमारे लिए, असली गाने लिखो, ऐसा प्रेशर बनता है, डबल मीनिंग के गाने लिखो। हाँ, लोग कहते हैं कि भैया उसका वैसे चला है तो मुझे भी उस टाइप का दीजिए, हालांकि आत्मा ये नहीं कहती कि वैसे गाने लिखो, कुछ चीज़ें एंटरटेन के लिए, हाँ कुछ चीज़ें एंटरटेन के लिए लिख देता है। लेकिन बेसिकली मैं कविता लिखता था, अभी भी लिखता हूँ, अपने लिए लिखता हूँ, तो और मुझे अपने गांव से बहुत प्यार है, एक लिखा था मैंने ऐसे ही,
वो एसी का घर छोड़ पीपल की छांव में मैं लौट जाना चाहता हूँ फिर से अपने गांव में। क्या बात है, क्या बात है। जो प्रेशर की बात आप कह रहे हैं वो भी मैंने फील किया। अच्छी मुझे लगे ना ये बॉस की हिदायत, वो डांट अच्छी थी जब होती थी कुछ शिकायत। आंसू तेरा तैरना वो पानी के बहाव में मैं लौट जाना चाहता हूँ। क्या बात है, कहाँ से, मतलब ये बताइए कि कहाँ से निकलता है ये, कहाँ से इतनी गहरी गहरी सोच। मेरी हमेशा से ही हिंदी में रुचि रही है, मैं बचपन से भी सीखता तो हर भाषा हूँ जी, लेकिन मातृभाषा के प्रति मेरा अलग ही प्यार है जी। और मैंने हिंदी साहित्य से बीए भी किया, एमए भी कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे उस तरफ झुकाव ज़्यादा है। देखिए ऐसा है कि राइटर बैठे हैं, मैं भी अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसा है कि मेरा भी कभी कभी इच्छा होता है, मैं लिख देता हूँ, तो ऑफिस आने का दिल कर नहीं रहा था काम पर, लेकिन पहुँचने रहता है, तो मैंने एक लाइन लिखी कि भाई काम पर जाने का दिल नहीं करता, काम पर जाने का दिल नहीं करता, लेकिन पहुँचने की जल्दी रोज रहती है। सैलरी कट जाएगी ना, सैलरी कट जाएगी, बॉस जो है गुस्से में आ जाएगा। अच्छा एक बात बताएं कि जब आप लिखते हैं तो क्या रखते हैं दिमाग में, हीरो का चेहरा या फिर चेक पर लिखी हुई रकम या क्या है? ऐसी दोनों ही बातें नहीं होती हैं, मुझे ये देखना होता है कि वर्तमान में चल क्या रहा है, लोग क्या सुनना पसंद करते हैं, क्या चीज़ें उन्हें अपना लगेंगी, वो मैं लिखना चाहता हूँ और हमेशा से यही करता भी हूँ। कि जो आम बोलचाल की भाषाएं हैं, जो हर लोगों के जीवन में घट रहा है वो लिखो, और मतलब अपने वर्तमान को लिखिए, वो इतिहास बन ही जाएगा। वाह क्या बात है, क्या बात है, बड़ी प्यारी सी स्माइली इनकी ना। अच्छा आपको क्या लगता है, आपको नहीं लगता कि आप भी स्क्रीन पर आ जाएं? स्क्रीन पे तो अब आने वाला समय बताएगा, लेकिन मैं पर्सनली इच्छा है, हाँ इच्छा है, नीलकमल की तरह डांस करने की इच्छा है, नीलकमल की तरह लड़कियों से हॉट रोमांस करने की इच्छा है? नहीं, मैं नीलकमल जी के साथ बहुत ज़्यादा ही रहता हूँ, वो लड़कियों के साथ नहीं रहते। स्क्रीन पे तो हमने देखा है कि वो उनका काम है ना कि फ्लर्ट रोमांस। मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, आपका दिल करता है? नहीं नहीं, मैं काफ़ी साफ सुथरा इंसान हूँ, वैसा कुछ नहीं। स्माइल देखिए, शर्मा रहा है लड़का। अच्छा आपका जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं कुमार विश्वास जी के साथ लगता है, उसके हम शक्ल लगते हैं? नहीं पता नहीं, आप देख रहे हैं अपने नजरिए से देख रहे हैं कुमार विश्वास जी का। मैं पढ़ता बहुत हूँ उनको, हाँ। तो उनकी लिखी हुई चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक बार देखिए जरा, आप लोग बताइए इनका चेहरा कुमार विश्वास की तरह दिखता है कि नहीं? नहीं लगता होगा तो भी कह दीजिएगा, हो सकता है उनकी वजह से। लेकिन उनकी तरह लिखना सोचना चाहते हैं? ऐसा मेरा सोच था कि शिक्षा एक कलम ऐसी हथियार है जिससे कोई भी लड़ाई लड़ी जा सकती है, फिजिकली छोड़ के। तो मेरी ऐसी थी कि धन तो सभे लोग कमाला, मन बाकी हम नाम कमाई, बाकी काम तो शौक हुआ लेकिन जीत भर रोटी कलम के खाई। वाह क्या बात है, क्या बात है। तो हिंदी भी लिखते हैं? हाँ हिंदी ही लिखते हैं। हिंदी फिल्मों के लिए? हिंदी फिल्मों के लिए तो अभी कुछ मेरे पास नहीं है, लेकिन हिंदी गीत बराबर आते हैं। अभी आज अमरपाली दुबे जी का जो भोजपुरी में बिना क्वीन कही जाती है, हाँ, तो उनका जन्मदिन है और उनके साथ दिनेश भैया के साथ आज उनका हम भोजपुरी पे गाना रिलीज हुआ है, तो मेरे लिए उनके बर्थडे पे आज ये गिफ्ट समझ लीजिए या जो कुछ भी था। कैसी लगती हैं अमरपाली आपको? बहुत अच्छी लगती है मुझे, मतलब भोजपुरी में वो मेरी फेवरेट हीरोइन। हाँ गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं। प्यार व्यार कभी किया था किसी से? यार राइटर लोग का दिल टूटा होता है और ऐसा ऐसा तमाम चीज़ें जो है हम जानते बचपन से सुनते आ रहे हैं। मोहब्बत तो आपने की होगी किसी ना किसी से? मोहब्बत नहीं किया है, मोहब्बत किया बस गीत से, गीत से काम से किया है। हाँ चलिए ठीक है। लेकिन बहुत सारे लड़के बताते हैं कि भैया मेरा दिल टूटा है, मेरी कहानी ये है, तो वो मुझे गीत लिखने के लिए प्रेरित कर देते हैं और मेरा कुछ कमाई हो जाता है। आप बहुत अच्छे सज्जन हैं, इसी तरह से हंसते रहे, करियर आपका लगातार बढ़ते रहे। दोस्तों इन्हें से कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स पे आप जरूर लिखिएगा, इस तरह के इंटरव्यू की भी जरूरत है आज इंडस्ट्री में, आप क्या कहते हैं? आप सभी लोग भी देसी भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाबा का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। बिल्कुल, वीडियो का समापन करते हैं, हर हर महादेव।